बड़े टेररिस्ट अटैक एंड बम ब्लास्ट से आपको बचाने वाला वो मसीहा कौन था? बस इतना बता सकता हूँ कि जब वो आता है ना, तब मौत भी प्यारी लगने लग पड़ती है। मौत का नाम तो ऐसे ही बदनाम है, असली दर्द तो वो देता है। इतने बड़े मास्टर प्लान की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई मेरी बेटी खुशी से। दिन भी कितना बोरिंग था, ऊपर से कंटीन का खाना भी कितना गंदा था। अब क्या हुआ? तुम बाज नहीं आओगे अपनी आदतों से? छोटू, एक कप चाय। जी सर। हेलो सर, सर खबर मिली है टेररिस्ट ने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है सर। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? टेररिस्ट ने आपकी बेटी को होस्टेज बना लिया है और शायद वो अपनी को डिमांड पूरी करवाना चाहते हैं। हेलो 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 सर, कहाँ है वो? क्या अभी तक उन्होंने कोई मांग रखी है? क्या मुझे अपनी टीम के लिए रुकना चाहिए? पर मैं खुशी को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। चल, चल पीछे। चल, चल, चल पीछे। ये ले। हेलो सरकारी कुत्ते को दौड़ते हुए आने पड़ा ना। K-47 अपने बाप को भेज और बेटी को ले जा, नहीं तो तेरी बेटी को वैसे मारूंगा जैसे तुम कुत्तों ने मेरे भाई को मारा था। ओए ओए, ज्यादा होशियारी दिखाएगा तो क्या? तुझे तो मैं खुद मारूंगा। Thank you.
खुशी तेरी पहली गलती थी यहां पर आना, दूसरी गलती मेरे लोगों पे हाथ उठाना, तीसरी गलती करने की गलती से भी मत सोचना, नहीं तो इतना मारूंगा कि दर्द को भी समझ नहीं आएगा कि किस जख्म से बाहर निकले। कौन हो तुम? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते। मेरा नाम जान के क्या करोगे तुम? तुम्हें कौन ही बचाने आएगा यहाँ? तू कौन है बे? तेरा बाप। मारो सब। बंदूक दिखा के डराना चाहता है? बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ, डराने के लिए नाम ही काफी है। जब काटने की औकात ना हो ना तो भौंका नहीं करते। आजा। K-47, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। उठो उठो K-47। एक बिल्ला दूसरे बिल्ले से मदद मांग रहा है पर जीता वही है जो चालाक हो, कीदड़ की तरह। कीदड़ कितने भी हो, शेर अकेला ही शिकार करता है। अगर मैं मरूंगा तो सबको साथ लेके मरूंगा।